कोरोना कर्मवीरों और आम जनता के जोश को बढ़ाने के लिए रतलाम के युवा फिल्म निर्देशक हरीश शर्मा ने मुंबई के 8 फिल्म डायरेक्टर राजेंद्र राठौर के सहयोग से एक वीडियो गीत का निर्माण किया है। इस गीत की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इस वीडियो गीत का निर्माण सभी कलाकारों ने पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए बनाया है। इस गीत में जहां मुंबई के नामी कलाकारों ने काम किया है, वहीं रतलाम के अनेक मीडियाकर्मी भी इसमें शामिल हैं। ये सभी कलाकार गीत में कोरोना से लड़ाई में जोशपूर्ण संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। गीत में शामिल सभी कलाकारों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने वीडियो गीत के साथ सिंक करके निर्देशन को भेजा है और इस तरह इस गीत का निर्माण हुआ। रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं, देश को जिताना है। इस गीत के लेखक स्वयं हरीश दर्शन शर्मा है और इसमें संगीत भी इन्हीं ने दिया है। इस गीत के एडिटिंग और डायरेक्शन भी हरीश दर्शन शर्मा का ही है। वीडियो सहभागी मुंबई के 8 फिल्मों के डायरेक्टर राजेंद्र राठौड़ है। रतलाम के वीडियोग्राफर बंटी शर्मा, प्रदीप नागौरा ने इसे अपना सहयोग दिया। इसके साथ मुंबई के कई नामी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। भारत धरती माँ है, अपनी माँ पर कर्जदारी है। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। भारत धरती माँ है, अपनी माँ पर कर्जदारी है। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। ओ, 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 भारत धरती माँ है, अपनी माँ पर कर्जदारी है। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। खाओ कसम के अपने घर से कोरोना को भगाना है। गांव के आखिरी घर तक हमको ये संदेश पहुंचाना है। अपनी शक्ति खून पसीने से अपनों को हमें बचाना है। रुकना नहीं, हमें थकना नहीं, हमें देश को जिताना है। कसोटी पर तुम रखो, मैं भी खुद को जांच रहा हूँ। घने अंधेरों में उजियारा मैं भविष्य का बांट रहा हूँ। भारत धरती माँ है, अपनी माँ पर कर्जदारी है। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। खाओ कसम के अपने घर से कोरोना को भगाना है। गांव के आखिरी घर तक हमको ये संदेश पहुंचाना है। अपनी शक्ति खून पसीने से अपनों को हमें बचाना है। रुकना नहीं, हमें थकना नहीं, हमें देश को जिताना है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।